आगाह करूंगा अपने डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, आगे तक पहुंचाई जाए, हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था की जाए। ये खाली मंदिर पर हमला नहीं है, किसी ऐसे तत्व ने जो कार्य किया है हम उसकी निंदा करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी जो है उसको पुख्ता किया जाए ताकि लोग जो है यहाँ से पलायन ना करें, क्योंकि लोग चाहते हैं, जो ऐसे तत्व है वो चाहते हैं कि इनको डराया धमकाया जाए और यहाँ से वो चले जाए, मगर वो दिन दूर नहीं, वो दिन चले गए जिन दिनों में हमें डराया धमकाया जाता था, उस वक्त भी हमें कोई आंच नहीं आई। और आज तो आज मोदी जी की सरकार है और मैं मोदी जी से दरख्वास्त करूंगा कि हम लोगों की व्यवस्था की जाए ताकि किस तरह के कार्य ना हो सके। और सिक्योरिटी एजेंसी से भी क्या देना चाहता हूँ, खासकर एसएसपी साहब से कहूंगा कि सिक्योरिटी को थोड़ा सा बीफअप करें और हमारे लोग जो जंगल के पास भी रहते हैं उनकी भी कोई ना कोई व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ से पलायन ना हो। सब जानते हैं कि कल रात सुरनकोट खास में एक बड़ा निंदनीय हरकत की गई, एक किस्म का क्रूड बॉम्ब या कोई लाइट ग्रेनेड फेंका गया है मंदिर के कृष्ण मंदिर के पीछे वाले दीवार पे। और पूरे डिस्ट्रिक्ट के हर एक कम्युनिटी इस अटैक को कंडेम करती है और इस अटैक के लिए सारे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जे एंड के पुलिस, इंडियन आर्मी, उन्होंने ऑलरेडी इस एरिया की सिक्योरिटाइजेशन शुरू कर दी है, पेरीमीटर सिक्योर कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है। सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम पुलिस एंड आर्मी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑल पॉसिबल इन्वेस्टिगेशंस इनटू द मैटर और मुझे पूरा यकीन है कि द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस अटैक विल बी कॉट इन ड्यू टाइम। मीनवाइल जो पुंछ ज़िले की बहुत मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उन सब ने मिल के एक दूसरे की यकीन दहानी दिलाई है कि इस अटैक की वजह से कोई भी अगर कम्युनल हार्मनी भंग करने की कोई शरारत है तो उसे सरंजाम होने नहीं दिया जाएगा। जी ऑब्वियसली माइनॉरिटी कम्युनिटी वरिड है कि काफ़ी ऐसे जो हमारे टेंपल्स हैं या और रिलीजियस साइट्स हैं उन पे सिक्योरिटी टाइटन की जानी चाहिए और उनके और भी जो कुछ उधर अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जिससे बेटर विजिलेंस रहे वो होने चाहिए एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट।
थैंक यू।